Hi students, how are you all? I wish you all are doing good. Today I am going to teach you English first for class 2. And in the previous class, I have taught you lesson 1, frog on a log. और आज मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर जो है, जो भी एक्सरसाइज है इसका, वो मैं बताऊंगा। तो मैंने आपको इसमें जो क्वेश्चन आंसर है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद नीचे है कुछ वर्ड जोन, थिंक एंड राइट, ठीक है। तो आप बोर्ड पे देखिए, थिंक एंड राइट। वन डे The frog was dash. मैंने कहानी पढ़ाया था, एक दिन फ्रॉग क्या हो गया, यानी मेंढक क्या हो गया, वो खो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, lost, ठीक है। The frog hopped and fell into a dash. मेंढक कूदा और गिरा एक dash में। किसमें गिरा, तो तालाब में गिरा, P-O-N-D, ठीक है। The frog became dash. मेढक क्या हो गया, उदास हो गया, सैड, ठीक है। बॉब हॉप ऑन ए डैश, बॉब किस पर कूदा, तो बॉब एक लकड़ी के टुकड़े पे कूदा, लॉग, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नंबर 2 पे। ठीक है, नंबर 2 में है, टेल 4 थिंग्स बॉब डी। आपको वो चार चीजें बतानी है जो बॉब ने की। बॉब डैश टू ए ट्री, बॉब एक पेड़ पे क्या हुआ, कूद गया था, ठीक है, हॉप। इसके बाद है बॉब बिकेम डैश, बॉब क्या हो गया, उदास हो गया। बॉब डैश इनटू द पॉन्ड, बॉब फेल, बॉब तालाब में गिर गया। बॉब डैश टू द टॉप, स्वैम, और फिर वो तैर कर ऊपर आया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नंबर 3 में। तो नेक्स्ट 3 नंबर में है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। यहां पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके स्पेलिंग को आपको, जो इनकम्प्लीट है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये कलर्स के नाम। तो सबसे पहले आर डैश डी क्या होगा, ई, आर ए, बी एल लिखा हुआ है, यू ई लिखना है, ब्लू। यहां पर हो जाएगा आपका वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो, फिर जी आर डबल डैश है, एन है, तो डबल ई हो जाएगा। इसके बाद है डैश आर ए एन जी डैश, तो ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। इसके बाद है जी आर ई वाई ग्रे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 4 नंबर पे। नंबर 4 में है मेक सेंटेंसेस, वाक्य बनाना है। नंबर 1 में है फ्रॉग, फ्रॉग से कोई वाक्य बनाइए। अ फ्रॉग कैन हॉप, मेंढक कूद सकता है, होम क्या बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं आप अपने तरीके से। दिस इज माय होम। नेक्स्ट है होल, होल मतलब होता है छेद। देयर इज ए होल इन द पाइप, पाइप में एक छेद, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है बग, बग हम
जनरली खटमल तो चटाइयों में मैट्स में होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ बग्स इन दिस मैट। इस चटाई में बहुत सारे खटमल है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखिए, यहां मैंने आपको करा दिया। यहां पर जो फिगर है ऊपर लिखा हुआ चूज एंड राइट द नेमिंग वर्ड्स अंडर देयर पिक्चर्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यहां पर पिक्चर्स दिए गए हैं और यहां पर एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको जिनकी हेल्प से आपको नीचे यहां पे फिल करना है। तो ये आप देख रहे हो फिगर, ये डॉक्टर का है तो यहां पे डॉक्टर आ जाएगा, फिर ड्रम है तो DRUM ड्रम यहां से आ जाएगा, ये घर का फोटो है तो हाउस हो जाएगा, इसके बाद ये हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल हो गया, इसके बाद ये लैंप है तो लैंप यहां से आ गया, और फिर ये एक लास्ट बच गया फादर, यहाँ पे फादर होगा। ठीक है, नीचे है मैच द एनिमल्स विद द राइट साउंड्स एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस अंडर ईच। तो यहाँ पे कुछ जानवर के फोटो हैं और उनके सामने कुछ उनके आवाज के नाम हैं, तो इनको ठीक ढंग से मैच करना, उस पर एक सेंटेंस बनाना। तो मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ, मैंने लिख दिया है बोर्ड पर ब्रेज। ये ब्रेज, ये किसकी आवाज होती है? तो ये डंकी की आवाज होती है, हम लोग लिखेंगे यहां, और डंकी ब्रेज। ठीक है, इसके बाद रॉस है, रॉस लाइन की आवाज होती है बेसिकली, तो लिखेंगे द लायन रोज लवली। इसके बाद है चिक्स। तो बुक में आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर है कबूतर का। ठीक है, तो इसको हम लोग बर्ड ही मान के चलेंगे, यहाँ पे पिजन नहीं लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे द बर्ड चिक्स हैप्पीली। इसके बाद है ग्रोस। ग्रोस बहुत सारे जानवरों का आवाज होता है, तो यहां पर जो फिगर है इसके अनुसार वुल्फ डॉग है, वुल्फ डॉग ग्रोस। ठीक है, इसके बाद है नेज। नेज जो है ये बेसिकली घोड़े की आवाज होती है, लेकिन इस फिगर में घोड़े का पिक्चर कहीं नहीं है, ये एरर है इस किताब का। यहाँ पर उल्लू का फोटो दिया गया है, उल्लू की आवाज बेसिकली होती है हूट, स्क्रीम और स्ट्राइक SHRIEK, लेकिन जो यहाँ पर है नहीं। तो नेज का मैं हॉर्स पे बना देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एलिफेंट कंप्लीट दी सेंटेंसेस। तो मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूं, नंबर टू में है जम्बू इज एन, फिगर के अनुसार यहां पर एक एलिफेंट है, तो एलिफेंट लिख देंगे। ही हैज ए सॉर्ट, तो हाथी को एक छोटी सी पूंछ होती है। चलिए, इसके बाद है ही हैज ए डैश, उसका एक लंबा सा ट्रंक होता है जिसको हिंदी में सूंड कहते हैं। इसके बाद ही ऑल्सो हैज टू, उसके पास दो बड़ी बड़ी कान होती है, टू लार्ज ईयर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टू का फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो दोनों को देखकर आप लेसन वन कंप्लीट कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास अगले लेसन के लिए। थैंक यू, सी यू अगेन।